हे गाइस वेलकम बैक चैनल, दिस इज तौहीद एंड यू वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों अभी अभी नया नया सेटअप किया है मैंने वेब कैम आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा चेहरा भी जब भी मैं ये शूट करता हूँ स्क्रीन तो उस समय थोड़ा सा चेहरा भी दिखाई दे और थोड़ा इंगेजमेंट ज़्यादा बने। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि हाउ टू मेक मनी विथ इंस्टाग्राम बिलो 1K फॉलोअर्स। यस गाइस, मतलब 1000 से कम फॉलोअर में आप कैसे इंस्टाग्राम से पैसे बना सकते हैं, उस चीज की आज जो है ट्रिक कह सकते हो आप, मैं बताने वाला हूँ आपको और बहुत सारी ऐसी चीजें समझाने वाला हूँ जिससे सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम में, और कैसे लोग कम से कम फॉलोअर्स में ज्यादा से ज्यादा पैसे बना रहे हैं। ठीक है, देखो 1 लाख फॉलोअर्स में 1 लाख रुपए बनाना, इट्स इजी, इट्स नॉट मैजिक, इट्स नॉट बिजनेस। ये क्या है, ये आपके पास बहुत भीड़ आई, आपने उसमें थोड़ा चंदा बटोर लिया, ये उस टाइप का है, ठीक है। लेकिन 1000 फॉलोअर्स में 1 लाख रुपए कमाना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, वो बिजनेस है, वैसे लोग बिजनेस करके पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको आज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले एक पोस्ट किया था मैंने यहाँ, यू कैन सी दिस, ओके, टुडे मोर पावरफुल वीडियो कमिंग ऑन इंस्टाग्राम। वैसे मैंने डाला था कि देखते हैं कितने लोग इंस्टाग्राम में इंटरेस्टेड है, तो काफी लोगों ने यस यस कहा, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आए कि नो आई हेट मनी आई लव टू ब्रोक। तो मुझे ये चीज नहीं समझ में आई कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पैसे पसंद नहीं है। तो प्लीज अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पैसे पसंद नहीं है या आप इस चैनल को हेट करते हो, बिल्कुल पसंद नहीं आपको चैनल, तो क्या प्रॉब्लम है, जरूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, कहीं से आ गए हो, तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करो और फिर उसके बाद बेल का आइकन जरूर दबाओ, ताकि आपको ऐसी वीडियोस आपके मोबाइल पर पहुंच सके और काफी ज्यादा आप पैसे अर्न कर सको फ्रॉम ऑनलाइन। तो दोस्तों सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे कि ये मेरा हैंडल है। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑन इंस्टाग्राम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। पहले देखो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनसे आप बहुत ज्यादा पैसे बना सकते थे, लाइक ईमेल मार्केटिंग। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है, ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा है, वो आपको बैकअप सपोर्ट देती है और वो बैक पे काम करती है, लेकिन जो फ्रंट में आपका काम करता है दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अगर आपका कन्वर्जन ईमेल से 10% है, 20% है, तो सोशल मीडिया अगर आप वहाँ प्रेजेंट हो तो सोशल मीडिया आपका कन्वर्जन 50% या तो 60% उससे भी ऊपर ले जा सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉन्टेंट पे, ठीक है। और जैसे कि मैंने एक चीज कहा, अटेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, क्यों कहा मैंने, गाइस देखो आप ऐसे मेरे प्रोफाइल पे आते हो, यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, वॉरियर बिजनेस एडिक्ट लीडर सीईओ ऑनलाइन मनी डिजिटल एंटरप्रेन्योर ब्रांडिंग, तो दैट इज कॉल्ड अटेंशन पॉइंट्स। ओके, क्या अटेंशन पॉइंट्स है, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो ये आती है कि आप अपने प्रोफाइल को एक ऐसा प्रोफाइल बनाओ जो चीज आपको पसंद है, ठीक है। मुझे बिजनेस पसंद है, आई एम डूइंग बिजनेस, आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो चीज मैंने लिख के रखा है, अपने बारे में बता के रखा। आपको फैशन पसंद है तो आप लिखो आई एम द फैशन वॉरियर लॉल, जो भी, मुझे, मैं तो उस इंडस्ट्री में हूँ नहीं तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब आपका जो भी चीज है, जो भी आप करते हो, आप ब्लॉगर हो तो लिखो ब्लॉगर, आप ब्लॉगर हो तो लिखो ब्लॉगर, आप डिजिटल मार्केटर हो तो लिखो डिजिटल मार्केटर, आप एक स्केच आर्टिस्ट हो तो लिखो स्केच आर्टिस्ट, मतलब समथिंग अट्रैक्टिव फर्स्ट, ओके, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। अब सेकेंड, लोगों के पास बहुत ज्यादा फॉलोअर है लेकिन वो इतना पैसा नहीं बना पा रहे जितना 500 फॉलोअर 1000 में हम लोग पैसे बना लेते हैं ऑन द इंस्टाग्राम। ग्राम पे ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ और ज्यादा फोकस नहीं हूँ, मैं ज्यादातर फोकस हूँ फेसबुक पे, ठीक है। लेकिन बहुत सुन जैसी वो मेरा कुछ काम है, जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीट हो जाते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी आऊंगा और बहुत सारी मेहनत करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब अपने फॉलोअर्स को गेन करने वाला हूँ, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझको सारी चीजें पता है कैसे क्या होती है, और तभी मैं इतने फॉलोअर तक पहुंचाऊँ और तभी मैं इतने कम फॉलोअर्स में इतने पैसे बना पा रहा हूँ, राइट।
और इसके प्रूफ बहुत सारे पड़े हुए हैं अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। अब देखो ये मेरी प्रोफाइल देख लो आप, यहाँ क्या क्या लिखा है और क्या क्या नहीं लिखा है। अब मैं चलता हूँ, एक नाम गैस करते हैं, राहुल लिखता हूँ मैं, ठीक है, या कुछ भी जो भी है लिखते हैं, राहुल लिखते हैं, राहुल तिवारी, ठीक है, ऐसा कुछ भी। मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, एम नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसा लिखते हैं, एक नाम लिखते हैं, देखते हैं कौन कैसे अपना प्रोफाइल को रखता है। सो गैस जस्ट राहुल रॉक कोई ओपन हुआ है, तो इसके बंदे के फॉलोअर्स 10.89 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, 10.8 की फॉलोअर्स, मतलब 10,000 से भी ज्यादा फॉलोअर। क्या लिख के रखा है ये, आई एम परफेक्ट, वीडियो गेम लवर, स्टडी, ओके, ये सारी चीजें लिख के रखा है। क्या कर रहा है ये, कोई पैसे नहीं बता, अटेंशन कितना अच्छा है इसका ये भी देखते हैं। हाँ, तो ही इज मेकिंग वीडियो, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, 3,000 के आसपास है लाइक, 2,000 आसपास लाइक है, इट्स डूइंग समथिंग गुड, ओके। लेकिन गाइज ये बंदा पैसे नहीं कमा रहा है, ठीक है, वो कैसे नहीं कमा रहा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक और प्रोफाइल खोलते हैं, और मैं अपनी भी प्रोफाइल पहले खोल लेता हूँ, कोई लड़की की प्रोफाइल खोलते हैं इस समय। अब अपन प्रिया, ठीक है, प्रिया शर्मा, मतलब जो मेरे मन में आ रहा है वो चीज मैं खोल दे रहा हूँ, प्रिया शर्मा, ओके, तो प्रिया शर्मा 131 इज हियर, ओके। सो इसके भी ओ माय गॉड 363 के फॉलोअर्स, मतलब 3 लाख 3 लाख फॉलोअर्स, नॉट मेकिंग 1 पेनी फ्रॉम दिस। आई थिंक इसके फॉलोअर जो है इसने खरीदे हुए हैं, क्योंकि इंगेजमेंट जो है बहुत कम है इस लड़की का, ओके, इंगेजमेंट बहुत ज्यादा कम है, आप देख सकते हो, 4,000 4,000 4,000, इट्स मीन बहुत ज्यादा कम है। मतलब इसमें अगर 1 लाख इसके ओरिजिनल होंगे तो इसके 2 लाख जो है वो फेक हो सकते हैं, ओके, मे बी हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ही इज नॉट, सी इज नॉट मेकिंग मनी, ओके। नेक्स्ट, और हम किसी को सर्च करते हैं, रानू, ओके, जस्ट आई एम सर्चिंग रैंडम नेम्स, रानू इज हियर, आई डोंट नो हु इज रानू, जस्ट सर्चिंग रैंडम नेम्स, यू नो, नॉट कमिंग। राहुल मयंक तिवारी, जस्ट सर्चिंग रैंडम नेम गाइस, यू कैन सर्च एनीथिंग, ओपनिंग ना, 6,000 फॉलोअर, ओके, ही इज समथिंग डूइंग, ओके, ही इज डूइंग समथिंग, ओके, बट ये जो अकाउंट है ये पर्सनल नहीं है, बट ही इज डूइंग समथिंग। व्हाई आई एम सेइंग दैट, यहाँ देखो, यहाँ इसने डाल के रखा है अपना एक वेबसाइट, सो देखते हैं क्या कर रहा है ये बंदा, वार रही, ओके, सो ये आई थिंक क्रिएटिव स्पेस, आई थिंक ये फोटोग्राफर है, ओके, सो इसने डाल के रखी है अपनी वेबसाइट, लेकिन ही इज नॉट मेकिंग मनी, ओके। अब देखो मैंने आपको इतने सारे प्रोफाइल दिखाए, लेकिन दे आर नॉट मेकिंग मनी, बट आर मेकिंग मनी, हाउ इज इट पॉसिबल गाइस? पॉसिबल ऐसे है कि गाइस देखो, उन लोगों ने अपने फॉलोअर्स बना के रखे हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको कुछ भी पैसे नहीं दे रहे हैं। व्हाई गाइस, बैक टू आवर प्रोफाइल, ठीक है, मेरा प्रोफाइल में अपन बैक आ गए, लेकिन मैं देखो गाइस यहाँ पर क्या चीज कर रहा हूँ जो वो नहीं कर रहे हैं, जो प्रिया नहीं कर रही है। मयंक हैज लॉट ऑफ फॉलोअर, बट मयंक मेकिंग फ्यू मनी, बट मयंक डोंट हैव कॉल टू एक्शन, ओके, ही हैज अ वेबसाइट हियर, ओके, आप देख सकते हो यहाँ एक वेबसाइट है, बट जब मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पर डायरेक्ट होते हैं, कहाँ डायरेक्ट होते हैं, एक वेबसाइट पे जो बिल्कुल बेकार है, ठीक है, आई कैन से, ठीक है, बेकार है, क्यों, क्योंकि देर इज नो कॉल टू एक्शन, ये प्रीफर डिफाइंड नहीं है, ये क्या चीज कर रहा है, ये बंदा क्या है, क्या चीज की वेबसाइट नहीं है, सो ही इज नॉट मेकिंग मनी, बट ही इज जनरेटिंग ट्राफिक ऑन देयर वेबसाइट, ओके, सो हो सकता है थोड़ा मोटा पैसे बना रहा हूँ। और एक और हम लोगों ने प्रोफाइल खोली, राहुल तिवारी, ओके, राहुल रॉक, ओके, तो राहुल रॉक इज ऑल्सो अ गुड, 10.8 के फॉलोअर्स, 17 पोस्ट, आई डोंट नो इसने डिलीट कर दिया होगा बाद में, बट ही इज नॉट मेकिंग मनी। सो ये जितने भी लोग हैं ये टाइम पास कर रहे हैं ओनली ऑन इंस्टाग्राम एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, इन्होंने किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर को देखा तो इन्होंने भी काम स्टार्ट कर दिया, दे आर मेकिंग कंटेंट्स बट दे आर नॉट मेकिंग मनी। अगर वो कंटेंट बना रहे हैं पैसे नहीं बना रहे हैं तो वो बिल्कुल वेस्ट है, यू नो डैट, क्योंकि गाइज देखो
जितने भी इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, या कोई भी हो, द मनी मैटर्स. ओके, मनी हमेशा मैटर्स करता है और वो ये काम इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पैसे मिले. दे आर नॉट कम हियर टू टाइम पास. ओके, मैं भी यहाँ पर अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं टाइम पास करने नहीं आ रहा. आई एम मेकिंग माई यूट्यूब टू अर्न मनी फ्रॉम द यूट्यूब. राइट, आई एम राइट. जो चीज़ लॉयल है वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ. तो मैं भी इसीलिए काम कर रहा हूँ और इन्फ्लुएंसर जो भी है वो भी इसीलिए काम कर रहे हैं. बट आजकल क्या हुआ, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और दे स्टार्टिंग वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम लाइक दैट. इतने सारे फॉलोअर हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं ये लाइक दैट. इतने सारे फॉलोअर हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं ये, और ये बंदा भी बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता है. बट दे नॉट मेकिंग मनी बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द इंस्टाग्राम. रोनाल्डो आपने देखा होगा, रोनाल्डो. ओके सॉरी, रोनाल्डो. तो आई एम नॉट फैन ऑफ रोनाल्डो, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको. He is making thousands, not thousand, it's millions of dollars from one Instagram account and the following is 156 million. ठीक है, रोनाल्डो के पास भी कॉल टू एक्शन है और सबको जानते हैं रोनाल्डो, मतलब ये बहुत एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है. बट बात यह है कि इन लोगों को पता है बिजनेस क्या होता है. अगर इन लोगों को नहीं भी पता है कि बिजनेस क्या होता है, बट इनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं जो इनके लिए काम कर रही हैं, सो ये सब पैसे बना रहे हैं. बट आपको क्या है, जानकारी की कमी है. जो हम जैसे सिंपल लोग हैं, हम लोगों को जानकारी की कमी है, हम लोग नहीं जानते काम कैसे होता है. तो अब देखो मेरी प्रोफाइल है, मैं जैसे अपने प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ खुलता है. ठीक है, कुछ ऐसा लिखा रहा है, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय तौहीद अहमद. ठीक है, ऊपर एंड द फनल एंड द ईमेल इज हियर, ईमेल इज हियर. तो इससे क्या होगा, जब कोई भी ईमेल यहाँ पर डालेगा, ठीक है, कोई भी डालता है ईमेल, आई डोंट नो, कोई भी, जैसे कि आप आओ ईमेल डालो यहाँ डाल, तो ये जैसे ईमेल डालोगे और यहाँ एक्सेस पर क्लिक करोगे तो आप जाओगे कन्वर्ट हो जाओगे. कहाँ कन्वर्ट हो जाओगे, आप कन्वर्ट हो जाओगे मेरे फनल्स पे, मेरे सेल्स फनल पे. वहाँ क्या होगा, वहाँ मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ. तो उसी का जब आप उसको खरीदोगे तो मैं पैसे अर्न करूँगा, ऑफकोर्स मैं पैसे अर्न करूँगा उसके बाद भी. अब मेरे पास जैसे कि ये देखो, अभी मेरे पास मोबाइल रहता तो मैं मोबाइल पर दिखाता आपको. अगर मैं ये वीडियो मोबाइल पर शूट कर देता तो यहाँ दिखाता कि यहाँ ऊपर में एक लाइन आती है जहाँ पर लिखा रहता है कि इतने विजिटर आपके प्रोफाइल पर हर वीक आ रहे हैं. ठीक है, 100 200, बट दे आर नॉट फॉलोइंग यू. ओके, कुछ फॉलो करते हैं बाद में अनफॉलो करते हैं, बट वो आपके प्रोफाइल पे आते हैं, वो आपके प्रोफाइल को चेक करते हैं एंड वो क्या करते हैं, ये सब देख के यहाँ पर लिंक पे क्लिक करते हैं और ये लिंक खुलती है कुछ इस प्रकार की और यहाँ पर से वो चले जाते हैं. और या तो वो जो बंदा था, इट्स मयंक तिवारी. ओके मयंक, तो मयंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप उसको कॉल टू एक्शन नहीं मिलेगा. राइट, ये देखो यहाँ क्लिक किया मैंने, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ भी चीजें आपको समझ नहीं आ रही है. लेकिन यहाँ पर आप जैसे आओगे, यहाँ एक वीडियो, यहाँ पर आप वीडियो को क्लिक करोगे और यहाँ पर अपना ईमेल कैप्चर करोगे और आगे गेट टू एक्सेस करोगे, ये क्या है, कॉल टू एक्शन. बट यहाँ पर आपको वो चीजें नहीं मिल रही है. तो ये सबसे पहले लगाना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कॉल टू एक्शन. कैसे क्रिएट करोगे, क्या क्रिएट करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको एट द एंड बताने वाला हूं. तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इतना बता दूं कि इंस्टाग्राम का आज मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि कैसे इंस्टाग्राम पर बिजनेसेस काम कर रहे हैं और कैसे लोग बहुत ज्यादा पैसे बना रहे हैं. कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कैसे बहुत ज्यादा पैसे बना रहा है वो, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं. देखो बाहर क्या है, यहां तो आप बस फॉलोअर 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 के पीछे भागते हो. बाहर लोग फॉलोअर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बाहर लोग बिजनेस मॉडल के पीछे भाग रहे हैं. दे आर वेरी वेरी इन्वॉल्व इन बिजनेस मॉडल. ठीक है, उनको पता है कि वो बिजनेस मॉडल कैसे बना रहे हैं. अगर आप फेसबुक पे होगे या आप एफिलिएट मार्केटिंग या कोई सी भी मार्केटिंग कर रहे होगे या आप एक एंटरप्रेन्योर होगे, तो आपको पता होगा कि फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं. दे डोंट हैव मच 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 फॉलोइंग, दे हैव 1,000 2,000 फॉलोइंग जस्ट लाइक दिस 1,000 2,000, बट दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी. कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था आपको टारगेट ऑडियंस क्या होती है. टारगेट ऑडियंस से आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो. अगर आपके पास 1,000 टारगेटेड ऑडियंस है और 1,00,000 आपके पास अलग एक ऑडियंस है बट वो टारगेटेड नहीं है, तो वो जो 1,000 है वो 1,00,000 के बराबर है. वो उतना पैसा दे सकते हैं जो आपको 1,00,000 फॉलोअर्स आपके नहीं दे सकते. तो यही चीज आपको यहां पर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. जो भी आप लेके आओगे, जो भी आपका प्रोफाइल, देखो जैसे कि अभी यहाँ पर भी मैं बता दूँ तो यहाँ मेरे 1,000 लोग जो हैं वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो बाहर के भी हैं, इंडिया के भी हैं. ठीक है, और जो मेरे 500 हैं वो मेरे फ्रेंड हैं. ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, दे डोंट वॉन्ट मोटिवेशनल पोस्ट, बट जो 1,000 लोग हैं दे वॉन्ट मोटिवेशनल पोस्ट. तो इससे रीच भी मेरी थोड़ी खराब होती है. ठीक है, लेकिन चलता है,
क्यों? क्योंकि मैं उनको स्टोरी में, जो स्टोरी है यहाँ, स्टोरी यहाँ जैसे आप क्लिक करते हो स्टोरी, तो उनको स्टोरी में कैप्चर कर लेता हूँ। मेरी स्टोरी नहीं भी तो हर बार 800 प्लस जाती है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज मेरे पास 1000 मेरे पास जो लोग हैं वो मेरे टारगेटेड लोग हैं, लेकिन वहीं मैं अगर फीड्स में कुछ डालूं तो मेरे 100 लाइक से ज्यादा नहीं जाता, बिकॉज फीड्स जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है इंस्टाग्राम के अंदर। वो सबको नहीं शो करती है, वो वैसी को शो करती है जो आपके पहले फॉलोअर्स रहते हैं, जो आपके शुरू से आपके साथ इंगेज हैं, वो उनको ज्यादा शो करती है। जो न्यू आते हैं, अगर वो आपके कभी आपके पोस्ट पे कमेंट किए हैं या लाइक किए हैं, तब वो जो फीड्स की जो आपके जो ये फीड्स रहते हैं, जो पोस्ट रहते हैं, वो उनको शो करता है, अदरवाइज वो पोस्ट उनको शो नहीं करता। लेकिन इंस्टाग्राम जो स्टोरीज है वो उनको शो करती हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम स्टोरीज से आते हैं या तो वो स्टोरी को क्लिक करते हैं, तो वहाँ एक कैचअप बन जाता है, एंगेजमेंट बन जाता है, तो लोग स्टोरी को ज्यादा देखते हैं और जो फीड्स रहती है लोग कम विजिट करते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा है जो मेरे फीड्स पे आया है, विजिट किया है, एक दो बार देखा है, तो हाँ मेरी फीड्स उसको शो करेंगे। लेकिन अगर वो कभी फीड्स देखा ही नहीं, बस फॉलो का बटन दबा दिया है, तो कभी भी मेरी फीड्स उसको शो नहीं करेंगी। स्टोरी का चांस रहता है 70 to 80% कि उसको शो करेगी, लेकिन फीड्स का चांस नहीं रहता। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टोरी पुट करते रहता हूँ, देखते हो आप, हमेशा स्टोरी डालते रहता हूँ। तो वहाँ क्या करता हूँ मैं, वहाँ मैं इंगेजमेंट बिल्ड करता हूँ और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज देते रहता हूँ, ऐसे करो वैसे करो, वेर यू गेट, वाई आर यू नॉट गेटिंग सेल, वाई आर यू गेटिंग फेल, ये सब मैं आपको वहाँ बताते रहता हूँ। तो आप मुझे वहाँ फॉलो करके भी रखो ताकि मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट करते रहूँ, ठीक है। तो इतनी चीजें जब हो गई, ओके, ये सब आप समझ रहे हो आई थिंक। अब देखो, यहाँ कॉल टू एक्शन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने नीश को चुनने के बाद, मतलब सब्जेक्ट को, आपका फैशन, ब्यूटी, डिजिटल मार्केटिंग। मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन लेके चलूंगा क्योंकि आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई एम एंटरप्रेन्योर, तो मैं जो चीजें बेचता हूँ मैं उसका ऑप्शन लेके चलूंगा। तो मेरे पास जो यहाँ पर कॉल टू एक्शन है वो एक डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का है, तो मैं उसको लेके चलता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने डाल कर रखा, तो लोग आते हैं, क्लिक करते हैं और जाके उस चीज को देखते हैं। सो आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम दिस। 900 से आराम से 900 स्टोरीज मेरी हमेशा टच करती है, मैंने कई बार उसके प्रूफ भी डाले हुए हैं, ठीक है। बट देखो, ये जैसे ये लड़की प्रिया, अब ये डालेगी तो इसके, अगर इसके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं तो नहीं भी तो 50 से 60 हज़ार लोग इसकी स्टोरीज को देखते होंगे डेली। शी कैन मेक लॉट ऑफ मनी बट सी डोंट हैव नॉलेज हाउ टू मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम वन इंस्टाग्राम, सो शी इज नॉट मेकिंग मनी, राइट। मयंक तिवारी, ही कैन ऑल्सो मेक लॉट ऑफ मनी बट ही डोंट नो हाउ टू मेक मनी। ऑल्सो यहाँ पर इसने अपना स्टोरी भी डाल के रखा है, बट लेकिन इसकी फॉलोअर्स बहुत अच्छी है, आई थिंक शी कैन मेक लॉट ऑफ मनी, बट नहीं जानती, ओके ठीक है। तो लेकिन ये बंदा जानता है, इसने आई थिंक कुछ कुछ तो इसको पता है, जिसे इसने स्टोरी भी अपडेट किया है, यहाँ पर ये भी डाला है, तो ये ही नोज समथिंग अबाउट मार्केटिंग, ओके वॉट एवर। लेकिन ये भी बंदा कुछ भी नहीं जानता, तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल भी बेकार है। तो आपको ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आपको ये सेट करना है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है गाइज, वो एक चीज आती है, देखो क्या होता है। मान लो आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, कितने 1000 फॉलोअर्स हैं, 1000 फॉलोअर्स मैं मान के चलता हूँ, एक हजार फॉलोअर्स आपके मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। 10% इसका लेता हूँ मैं, ज्यादा नहीं लूंगा। स्टोरी अगर आप लेके चलोगे तो बहुत सारे लोग आपकी स्टोरी देखते हैं डेली, ठीक है। 100% अगर 1000 लोग हैं तो आपके 600 से 500 लोग स्टोरी आपकी जरूर देखेंगे डेली। ये कितनी, 600 से 500 लोग आपकी स्टोरी जरूर देखेंगे डेली की। लेकिन मैं चलो और भी नीचे लेके चलता हूँ, मैं 10% लेके चलता हूँ, 100 पीपल ओनली, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस मतलब जो आपके नीश के अकॉर्डिंग है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो ऑल्सो दे कैन और डिजिटल सॉरी दे आर ऑल्सो अ डिजिटल मार्केटर, ओके। अगर आप एक फैशन ब्लॉगर हो तो वो भी एक फैशन ब्लॉगर होनी चाहिए। अगर आप एक कार लवर हो तो वो भी एक कार लवर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई गैजेट लवर हो, फोन लवर हो, टैक लवर हो, तो वो भी एक टैक लवर होनी चाहिए। तो उनको ही टारगेट ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। अब जो 100 लोग आपके देख रहे हैं टारगेट ऑडियंस, ठीक है, अब इनका भी हम लोग 1% या 20% निकालते हैं, ठीक है। 2% लेके चलते हैं इनका, 2%, ठीक है। 20% नहीं, 2% लेके चलते हैं, 2% यानी 2 लोग, कितने 2 लोग। आपने कोई ऐसी चीज डेली इंस्टाग्राम स्टोरी में डाली है, फर्स्ट आपका ये कॉल टू एक्शन यहाँ काम कर रहा है, ठीक है।
इसको कैसे काम में लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं डिफाइन करूंगा कि आपको कैसे काम में लेना है। अभी मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, 2%, दो लोग, सिर्फ दो लोग, ठीक है। 1,000 की फॉलोइंग, दो लोग को सेल करना है आपको, सिर्फ दो लोग को, याद रखो, ठीक है। अब आपको डालना है डेली जो चीज आप सेल करना चाहते हो। आई वॉन्ट टू सेल बिल्डर। बिल्डर क्या है, बिल्डर से आप 50-60 लाख रुपए कमा सकते हो ओनली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसको प्रमोट करके, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उसका पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और मैं उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बट दैट इज ऑल लिमिटेड ट्रेनिंग, ठीक है, लिमिटेड ट्रेनिंग है वो सब, ठीक है। तो वो सब लिमिटेड है। अगर वो चीज आपको चाहिए तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग आपको दूंगा कि आपको कैसे ये सारी चीजें करनी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे देखो, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं देख कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, दो लोग चाहिए मुझे, कस्टमर चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, दो कस्टमर जिनको आपको सिर्फ $50 की चीजें बेचनी है डेली, ठीक है। $100 आपकी अर्निंग होती है डेली। देखो पहले तो 1,000 आपके फॉलोअर्स हैं, जब आप स्टोरी डालते हो तो वहां आपके फॉलोअर्स भी आपको देखते हैं। अगर आप कहीं पर हो, मतलब किसी प्लेस पे हो, तो वहां पर आप क्या टैग करते हो, वहां आप टैग करते हो उस प्लेस को, ठीक है। वहां आप लोकेशन सेट करते हो। वो अगर आप कोई अच्छा कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, यू आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे, तो आप रिपब्लिक डे का हैशटैग डालते हो, या डालते हो जय हिंद डालते हो, ठीक है। तो वो सब हैशटैग है, उस हैशटैग की वजह से क्या होता है, आपके पास एक्स्ट्रा लोग भी आते हैं। 1,000 फॉलोअर्स तो आपके हैं ही, लेकिन वो एक्स्ट्रा लोग भी आते हैं। आप करके देखना, आपको समझ में आएगा। आपके पास एक्स्ट्रा लोग भी आते हैं, मतलब 200-300 एक्स्ट्रा लोग भी आते हैं जो आपकी चीजों को देखते हैं। अब हो सकता है आप उन 1,000 लोगों में से भी ग्रैब कर लो, या आप 200 लोगों में से भी वो दो लोगों को ग्रैब कर लो डेली डेली डेली। या तो आपको टारगेट ले लो, अगर आपको $1,000 बनाना है, मतलब $250 पर मंथ, मतलब आपको कितनी सेल चाहिए, काउंट करो, हर चीज काउंटेबल होनी चाहिए। मतलब आपको कितनी सेल चाहिए, आपको $1,000 बनाना है मंथली, ठीक है, $1,000 मंथली बनाना है आपको। $1,000 कितना होता है इंडिया में, 70,000 रुपये, बहुत ज्यादा होता है 70,000। और इट्स इजी गाइस, बहुत ज्यादा लोग हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं। दे आर ओनली वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम, दे आर नॉट वर्किंग ऑन फेसबुक, दे आर ओनली वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम। आपको बहुत ज्यादा चीजें पूछना हो या और भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, 100% आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ओके। तो दे आर मेकिंग लॉट ऑफ डॉलर्स, लेकिन हम लोग के लिए 17,000 बहुत ज्यादा, 70,000 रुपये बहुत ज्यादा है इन इंडिया, ओके। तो 17,000 रुपये अगर हम लोग को बनाना है, तो हम लोग को $250 पर वीक चाहिए। 7 days वी हैव, ओके, 7 days वी हैव, ओके। 250 250 डॉलर हर 7 days में हम लोग को बनाना है, $250 हर 7 days में हम लोगों को बनाना है। तो हम लोग को 5 सेल चाहिए, ओनली 5 सेल चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी इजी, लोग फॉर एवरी डे जनरेट करते हैं 5 सेल। देखो आप लोग क्यों नहीं जनरेट कर पाते हो, बिकॉज यू डोंट हैव द सेटअप, सेटअप, ओके, सेटअप नहीं है आपके पास बिजनेस का। वो जनरेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सेटअप है बिजनेस का, उन्होंने पूरा सेटअप करके रखा कि ऐसे आएगा बंदा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से वो खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन आप सेटअप नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, बिना ऑटोमेट किए तो नहीं हो पाएगा। आपको पहले ऑटोमेट करना पड़ेगा, तब जाके चीजें ऑटोमेटिक काम करती हैं या ऑटोमेशन पे जाती हैं। बिना काम की ऑटोमेट नहीं करते। जैसे ही इज मैन ये सोच रहा है बिना काम किए ये चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन ये बिना काम किए ऑटोमेट नहीं हो सकती चीजें, ठीक है। लेकिन इसने वही करके रखा है, यहाँ से यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या खुल रहा है, वही खुल रहा है जो आपको दिखाया मैं। तो चीजें बिना ऑटोमेट किए ऑटोमेशन पे नहीं जाती, उनको ऑटोमेट करना पड़ता है, पूरी चीजें सिक्वेंस से सेट करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको लास्ट बताऊंगा कैसे सेट करना है। तो अब आपको $250 चाहिए, अपना पूरा प्लानिंग सेटअप कर रखो। अब आपको मतलब 5 सेल चाहिए, ठीक है। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो $50 का सेल हो रहा है, लाइक बिल्डरल आप सेल कर सकते हो, एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट सेलेक्शन कैसे करना है, क्या चीज नीश होती है, इसके लिए मैंने पूरा एक सीरीज चलाया हुआ है जो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। बैक टू बैक वीडियोस पड़ेंगे, या फिर मार्केटिंग पार्ट वन, 5 पार्ट तक आ चुका है। पांचों पार्ट को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपको $50 देता हो पर सेल पे।
मान लो आपने दो 5 से निकाली है, 5 से निकाली है, $50 इंटू 5 $250, ओके। मतलब हर डे एक सेल, ओनली एक सेल, 1,000 लो और एक सेल ओनली। इट्स वेरी वेरी इजी गाइस, इट्स वेरी वेरी इजी। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी चीजें शो करनी है, ठीक है। अगर आप मंथली आपने कितनी सेल निकालनी है, आपने 20 सेल निकालनी है मंथली, मंथली आपने 20 सेल निकालनी है, ठीक है। मंथली आपको 20 सेल निकालनी है। अगर मैं कैलकुलेटर निकालता हूं, एक सेकेंड, सो ये अपना कैलकुलेटर है, ठीक है। आपको मंथली कितना सेल करना है, आपको मंथली सेल करना है ओनली 20 सेल, ठीक है, $1,000, ठीक है। हाउ मच यू आर मेकिंग, यू आर मेकिंग $1,000। 30 दिन होते हैं मंथ में, आपको पर डे का 1 सेल निकालना है। कितना निकालना है सेल, 1 सेल पर डे का निकालना है। इट्स वेरी वेरी इजी गाइस, पर डे का 1 सेल। 30 दिन है, हर दिन आपको एक सेल निकालना है, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। 1,000 फॉलोअर है, कुछ नहीं होता। 1,000 में आप डेली के 3 सेल निकाल सकते हो, मतलब $150 भी निकाल सकते हो, बस आपके पास सही सेटअप होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको अपनी स्टोरी डेली डालनी है, ठीक है, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। स्टोरी डेली डालनी है, कुछ ना कुछ स्टोरी डेली डालना है। दूसरी जो चीज़ है, आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है लाइक दैट, ठीक है। आप जो चीज़ करते हो उस चीज़ के बारे में पूरा लिखना है। हैशटैग का भी यूज़ करना है, इससे बहुत फ़ायदा होता है, लोग अलग अलग तरफ से इधर उधर से फॉलोअर्स आते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी करना है यूज़। कॉल टू एक्शन होना चाहिए, कॉल टू एक्शन जो लिंक है ये जो होनी चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, मयंक के जैसे नहीं होनी चाहिए कि लोग आए और चले गए, प्रॉपर लिंक होनी चाहिए, ठीक है। एक ट्री लिंक आई थिंक करके आता है, अभी मैंने खोल के नहीं रखा है उसकी स्लाइड, ट्री लिंक आप करके देखना, वहाँ बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं आपको पूरे लिंक सेटअप करने का फेसबुक इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो ट्री लिंक का भी यूज़ आप कर सकते हो। और अब देखो, ये जो चीज़ हो गई, ये सेटअप हो गया। अब यहाँ आपको ये जो चीज़, डेली ना डेली कुछ ना कुछ प्रमोट करते ही रहना है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मेरा कोई नीच नहीं है, मैं रैंडम फोटोज डालता हूँ अपने, लेकिन मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो मैं पैसे अर्निंग करूँ, तो आप कुछ भी मत करो। आप जाओ अमेजॉन एसोसिएट में, अमेजॉन एसोसिएट जैसे आप टाइप करोगे अमेजॉन एसोसिएट, तो खुलेगा अमेजॉन एसोसिएट। अमेजॉन एसोसिएट क्या है, एक एफिलिएट नेटवर्क है जो अमेजॉन की तरफ से है। आप वहाँ साइन अप कर लो, फ्री में साइन अप बिल्कुल। आप जो भी पहनते हो, खाते हो, घूमते हो, लेते हो, देते हो, हर चीज वहां पर आपको मिलेगी। मान लो आप, मैं अभी एक चश्मा पहना हूं, तो वहां पर मेरा चश्मा भी मिलेगा, ठीक है। मैं एक टी शर्ट पहना हूँ, वहां मेरा टी शर्ट भी मिलेगा। तो वो टी शर्ट की लिंक आपको अपनी स्टोरी में दे देनी है। लाइक राहुल, राहुल क्या करता है, कर सकता है, राहुल ये जो टी शर्ट पहना है, ये जो ब्लेजर पहना है, ये जो शर्ट पहना है, ये सबकी लिंक उठा के यहाँ पर दे सकता है, या तो अपनी स्टोरी में दे सकता है। 10.8K फॉलोअर्स, मतलब इसके पास स्वाइप अप ऑप्शन भी है, ही कैन जनरेट लॉट ऑफ मनी, ओके। सो यहाँ अपने स्टोरी में भी इसकी लिंक दे सकता है, तो लोग क्या करेंगे, जब उसकी स्टोरी को देखेंगे, स्टोरी को देखने के बाद वो लिंक पे क्लिक करेंगे और जाके अमेजोन से सामान लेंगे, तो वो जो पैसे हैं, जैसे उसमें से कोई भी सामान ये बिकवाएगा अपने लिंक से, ठीक है। राहुल जो भी सामान बिकवाएगा, मान लो एक टी शर्ट बिकवाता है वो ₹200 की है, तो 10% उसमें से राहुल का बनता है, मतलब ₹20 राहुल का बनता है। अगर ₹20 राहुल का बनता है, मान लो जी 1,000 लोग उस टी शर्ट को ले लेते हैं, ठीक है, 1,000 लोग उस टी शर्ट को ले लेते हैं, एक सेकेंड, 1,000 लोग उस टी शर्ट को ले लेते हैं, ठीक है, 1,000 लोगों ने उस टी शर्ट को ले लिया, राहुल हर बंदे से, हर एक बंदे से सिर्फ ₹20 कमा रहा है, सिर्फ ₹20 कमा रहा है, 20,000 सिर्फ एक स्टोरी में उसने कितने बनाए, ₹20,000। ऐसे करके वो बहुत सारी चीजें प्रमोट कर सकता है। मैंने अभी 10% बताया, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग वहां परसेंटेज मिलता है और उसको बोलते हैं एफिलिएट कमीशन, ठीक है। यहाँ से आप बहुत ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक चीज, इजी चीज बताई है, ठीक है। मान लो राहुल एक जूता पहनता है, ठीक है, 1,000 लोग अगर उसके स्टोरीज को देखते हैं, सॉरी मतलब बहुत सारे लोग हैं, 8-9,000 देखते हैं, उसमें से सिर्फ 1,000 लोग उसके जूते को खरीदने, मान लो उसने नाइकी का जूता पहना है और डाल दिया, ठीक है, हर नाइकी का जूता जो बिकता है, मान लो 100 जूते बिकते हैं, 1,000 नहीं, हर लोग नाइकी का जूता नहीं पहनते, ठीक है, तो अपन 100 लेके चलते हैं, 100 लोग जो है वो ले लेते हैं उसमें से, ठीक है, एकदम मिनिमम 10% लेके चलते हैं,
और हर का कमीशन जो है, सॉरी ये क्या हो रहा है, आई थिंक जीरो हिस्ट्री मेमोरी। तो गाइस देखो, वो जो जैसे कि 100 लोग होते हैं ठीक है, वो 100 लोग जो है वो बस नाइकी का जूता खरीदते हैं, और हर नाइकी के जूते पे राहुल 1,000 रुपए की कमीशन रहता है। नाइकी के बहुत महंगे रहते हैं यू नो ठीक है। जैसे ही वो 1,000 रुपए सामने बनाता है, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सिर्फ वो 100 लोगों को सेल करके कमा सकता है फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। इट्स वेरी वेरी इजी। वैसे ये प्रिया भी वैसे ही कर सकती है। प्रिया, लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लड़कियां बहुत सारी चीजें कर सकती हैं सेल, और ये बहुत तेजी से भी सेल करती हैं, यू नो व्हाई, यू नो वेरी वेल। ओके, तो ये सारी चीजें चलती हैं, तो ऐसे करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, नीश मार्केटर, आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, तो आप वो प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हो ठीक है, वो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हो, तो उससे भी आप पैसा बनाओगे। जैसे कि मैं क्या प्रमोट करता हूँ, मैं प्रमोट कर रहा हूँ एक डिजिटल सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड बिल्डर, जिसको मैंने बताया कि आप 50 लाख रुपए ईयरली कमा सकते हो। तो नीचे लिंक है, ज्यादा जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। तो मैं वो चीज प्रमोट कर रहा हूँ, तो वहां आप जैसे क्लिक करो, यहाँ आओगे ठीक है, यहाँ मेरा नाम लिखा है, यहाँ एक वीडियो है, इस वीडियो पे क्लिक करोगे, फिर आप आगे अपना इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, तो आपको सारी नॉलेज होगी ठीक है। और हिंदी वीडियो भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये चीज मैं प्रमोट कर रहा हूँ। ऐसे करके आप भी कुछ भी प्रमोट कर सकते हो अपनी स्टोरी के थ्रू, अपने किसी के भी थ्रू ठीक है। तो 1,000 फॉलोअर में आप इतने पैसे इजी बना सकते हो, और इट्स वेरी वेरी इजी ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये पूरा आपको प्रोसेस फॉलो करना है, फिर वहां से आपका कस्टमर आएगा और आपकी चीजें लेगा, और जो आपको अमेजोन में जो भी पैसे मिलेंगे, वो सारे पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं बहुत ज्यादा इजी। ऐसे ही मैं जैसे बिल्डर सेल कर रहा हूँ, तो मुझे पेपाल मिलते हैं, और जो पेपाल से मेरे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं ऐसे इजी। तो ऐसे करके आप अपने इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा मोनेटाइज कर सकते हो। ये सिर्फ एक तरीका है, मैं बहुत सारे तरीके आपको बता सकता हूँ करने के ठीक है। अभी मैं कम फॉलोअर में बता रहा हूँ, 1,000 फॉलोअर में आप ये गेम खेल सकते हो ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। स्टोरी के थ्रू, और जो प्रोफाइल पे विजिट करते हैं उनके थ्रू, और अपने फॉलोअर्स के थ्रू $1,000 हर मंथ आप इजी यहाँ से निकाल सकते हो। इट्स वेरी वेरी इजी। अब जो दूसरी बात है गाइस, वो ये चीज है कि इस लिंक के बारे में ठीक है। ये लिंक को जैसे आप क्लिक करते हो, तो ये सारी चीजें खुलती हैं। इस लिंक का बता दूं तो क्या होता है गाइस, देखो आप अपने लिंक को बनाने के लिए क्या कर सकते हो। ये लिंक है ठीक है, मान लो ये लिंक है कोई सी, यहाँ आपने लिंक लगा रखी है ठीक है। एक चीज ये है कि आप डायरेक्ट अपने अमेजोन से लिंक उठाओ और यहाँ पर ऐसे प्रमोट कर दो ठीक है। एक चीज ये, कोई भी विजिटर आएगा, वो आपके स्टोरी के थ्रू आया या किसी के भी थ्रू आया, वो लिया सामान और वहां से चला गया। दूसरी चीज ये लिंक ठीक है, ये लिंक आपने जो डाली है, इसको स्टेब्लिश करने का ये तरीका है कि जो आप के लिंक पे क्लिक करेगा, आपका फोल्डर ऐसे खुलेगा, ये फोल्डर खुलेगा, यहाँ कोई भी चीज हो, लेकिन यहाँ पर एक पॉपअप आता है दैट इज कॉल्ड ईमेल का ठीक है। तो ईमेल यहाँ आप डाल देते हो, देखना हर कोई भी साइड में आप जाओगे, वहां आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। क्यों वो अपनी इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको रीटारगेट कर सके, जब भी उनके पास कोई भी सामान आए तो वो आपको बार बार भेज सके। जैसे अमेजोन, जब आप अमेजोन में जाओगे तो आपको अपनी सारी चीजें पुट करनी पड़ती हैं, ईमेल, एड्रेस एंड फोन एंड वॉट एवर, जो भी चीजें रहती हैं आपको अपना पूरा देना पड़ता है। तो क्या होता है, उससे आपको वो फिर टारगेट करते हैं, देखना आपको ईमेल करते हैं कि ये हमारे पास न्यू आया है, आप इसको ले सकते हो ठीक है। आपके फोन नंबर पे भी आता है ठीक है, और आपके इवन आपके फेसबुक फीड्स में भी आता है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, जो फेसबुक फीड्स में आता है या इंस्टाग्राम में फीड्स में आता है, जैसे कि आपने आज कोई चीज देखी, देखना अभी जाओ अमेजोन को खोलो और वहां पर कोई चीज पे क्लिक करो, कोई भी, चाहे वो जूते पे, चाहे वो शर्ट पे, टी शर्ट पे, चश्मे पे क्लिक करो, देखना वही चीज तो एक दिन में, 2 दिन में आपको आपके फेसबुक फीड्स पे या आपके इंस्टाग्राम फीड्स पे शो करेगा ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि उन लोग फेसबुक पिक्सल का यूज कर रहे हैं, कुकीज का यूज कर रहे हैं, वो जो चीजें होती हैं वो रीडायरेक्ट रीटारगेटिंग में काम आती है ठीक है। वो थोड़ी हट के नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, वो भी मैं कभी आपको बताऊंगा। लेकिन आप कैसे कर सकते हो, आप भी इनके ईमेल कैप्चर कर सकते हो, जो भी आपके प्रोफाइल पे इधर उधर से आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने लोगों की ईमेल कैप्चर करता हूँ, फिर उसके बाद इस पे जब वो क्लिक करते हैं तब वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर वो मेरे प्रोफाइल से आके भी चले गए, तो मैं ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर का यूज करके उनको बार बार टच कर दूंगा ठीक है। टच करूंगा मतलब उनको बार बार ईमेल करूंगा कि सर वी हैव अ न्यू प्रोडक्ट लाइक दैट एंड वी कैन ऐड सम वैल्यू फ्रॉम दिस प्रोडक्ट लाइक दैट, ऐसी कुछ कुछ उनको ईमेल्स भेजूंगा, तो वो मेरे ईमेल्स पढ़ेंगे ठीक है। और वो मुझे पहचानते तो पहले से है, क्योंकि उन्होंने मेरे से चीजें ली हैं, तो भाई
चीजें नहीं है तो इतना तो नहीं याद होगा, तो उसी नेम का मेरा डोमेन भी रहेगा, उसी नेम से मैं ईमेल भी करूंगा, तो ऐसे मेरा एक पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड होगा, और प्लस जो चीज जो लोग मेरे प्रोफाइल से आके चले गए हैं, मैं उनको भी रिटारगेट कर करके बार बार उनसे उनको ईमेल सेंड करूंगा और वो लोग इस चीज को खरीदेंगे, ठीक है, बार बार। अब मान लो मैंने ऐसे ही करके 10,000 ईमेल को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, 10,000 ईमेल को कलेक्ट कर लिया है। अब मान लो मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, बहुत कम एक्टिव हूँ, कुछ मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं एक्टिव हो ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 10,000 ईमेल्स हैं जो लोग मुझसे पहले भी चीजें खरीद चुके हैं, ठीक है, कौन किसके ईमेल्स रहेंगे, जो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है, वो लोग तो क्लिक नहीं करेंगे, हो सकता है वो लोग भी क्लिक करें जिनको नहीं लेना है, लेकिन उस समय क्या करेंगे, वो अपना ईमेल आपके पास छोड़ जाएंगे लाइक दैट, कि यहाँ कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिनको नहीं लेना है, लेकिन वो भी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए वो ईमेल को पुट करेंगे, अपना फर्स्ट नेम पुट करेंगे, जब तक ये पुट नहीं करेंगे तब तक वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाएंगे, तो वो यहाँ पर गेट इंस्टेंट एक्सेस पे क्लिक करेंगे, तो उनका ईमेल जो है वो मेरे ऑटो रिस्पॉन्डर में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे करके मेरे पास 10,000 ईमेल हैं जो पेड भी हैं, जो पहले से मेरी चीजें खरीद चुके हैं, और जो कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी चीजें नहीं खरीदे, लेकिन मैं उनको ईमेल कर सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इतना तो टाइम है ना कि मैं एक ऑटो रिस्पॉन्डर को जाके क्लिक कर सकूँ। मान लो मैंने कोई ऑफर डाला है, बहुत अच्छी सेल लगी है अमेजोन पे, मैंने ऑफर डाल दिया और ये ऑफर उन 10,000 लोगों के पास चले गया, ये 10,000। अब मान लो आपने जो ऑफर भेजा है उससे आप 3,000 रुपये बना रहे हो पर आदमी से, ठीक है, और इन 10,000 में से सिर्फ 500 लोग आपके ऑफर को खरीद लेते हैं, ओनली 500 लोग, ठीक है, आपके ऑफर को खरीद लेते हैं सिर्फ 500 लोग, और आप हर बंदा मतलब 500 लोग खरीदे हैं आपके 10,000 में से, सिर्फ 500 लोग खरीदे हैं और आप हर बंदे से नियरली 2,000 रुपये या 3,000 रुपये बना रहे हो, 3,000 रुपये लेके चलता हूँ, ठीक है, 3,000 रुपये बना रहे हो नियरली, तो आपने बना लिए 15 लाख रुपए, हाँ 15 लाख रुपए आपने बना लिए, ठीक है। मान लो आप बोलोगे कि 3,000 रुपए कमीशन नहीं मिलता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें 3,000 रुपए कमीशन मिलता है, लेकिन मुझे पता है कई लोगों को ये चीजें नहीं समझ, नहीं बोलेंगे अरे नहीं मिलता यार, ठीक है छोड़ो हटाओ, 500 लोग खरीद रहे हैं, ठीक है 500 लोग खरीद रहे हैं, हर सेल पे आपको 500 रुपए कमीशन मिलता है, कितना हुआ, कितना हुआ, 2,50,000 रुपए आपने अर्न कर लिया, क्योंकि आपने ये सारे ईमेल को अपने ऑटो रिस्पॉन्डर में कैप्चर कर रखा था। गाइज मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ कि आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास पूरी सिस्टम नहीं कि कैसे चीजें काम करती हैं, जब आपको ये चीजें समझ में आएगा तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे, हर आपका बिजनेस जो है वो ऑटोमेशन पे चले जाएगा, लोग यहाँ लिंक पे, जैसे कि अभी मेरी यहाँ लिंक है, लिंक पे जैसे ही लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ये पेज खुलता है, वो ईमेल मेरे को दे के चले जाते हैं, अब मेरा जो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है उनको ईमेल करते रहता है, ऐसे ईमेल भेजते रहता है, ऐसे करके लोग मेरे से सामान खरीदते रहते हैं, तो बिजनेस क्या है, ईमेल और बिजनेस क्या है, ऑटोमेशन पे, तो मुझे बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं कहीं भी घूम रहा हूँ, मैं ऐसे इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, या वंडरिंग हियर, आई एम डूइंग दिस, आई एम ईटिंग दिस, और क्या कर रहा हूँ, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, लोग आ रहे हैं लिंक पे जा रहे हैं और लिंक पे अपना ईमेल डाल रहे हैं, फिर मेरा जो ऑटो रिस्पॉन्डर है वो ऑटोमेशन पे है, वो जा रहा है उनको ईमेल भेज रहा है, ईमेल भेज रहा है, उनको चीजें अच्छी लग रही है वो खरीद ले रहे हैं, इट्स इजी। तो ऐसे करके बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हो, और गाइस अगर आप एक गर्ल हो बॉय हो फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियां जो है वो काफी ज्यादा ऐसे पैसे अर्न कर सकती हैं बॉयज की तुलना में, यू नो व्हाई, इंडिया में ऐसा होता है, तो ऐसा हो सकता है, बाहर ऐसा नहीं है लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो कभी पैसे अर्न नहीं कर रहे इंस्टाग्राम में, बस दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम, नॉट इन्वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है, हम लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, मैं कभी भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाता हूँ तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, नॉट आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम देयर, आई एम नॉट टाइम पास, ओके, इंस्टाग्राम नॉट फॉर मी टाइम पास, ठीक है, तो इंस्टाग्राम टाइम पास के लिए नहीं है मेरे लिए, समझ पा रहे हो, मैं वहाँ टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसे ही लोग जितने भी बड़े मार्केटर्स हैं, चाहे वो गैरी वी, रसन ब्रांसन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग टाइम इन्वेस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं, ना कि स्पेंड करने के लिए, तो आपको भी वैसे ही काम करना है जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है, ऐसे अपना लिंक को बिल्ड करो, यहाँ कुछ भी खर्चा नहीं आता, आप बोलोगे कितना खर्चा आता है, मैं बताता हूँ कितना खर्चा आता है,
इट्स इजी गेम, ठीक है। पूरी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। आज देखो आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा। डोमेन की कैसे चीप मिल सकता है मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, या आपको एक वीडियो मिल जाएगी चैनल पे ही है, मैंने बताया डोमेन बहुत चीप में मिल सकता है, ठीक है। मान लो आपको मिल जाएगा डोमेन 500 रुपये में, मान लो 500 रुपये मिल गया, या तो 600 रुपये में, ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं, 600-500 रुपये में डोमेन मिल गया, ठीक है। अब आपको चाहिए एक ईमेल रिस्पॉन्डर, $30 का मिल जाएगा। नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी ईमेल रिस्पॉन्डर की, ऑटो रिस्पॉन्डर की, ठीक है। $30 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। हर महीने $30 से ज़्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। $30 कितना होता है, चलो कि 2100 रुपये मान लो, ठीक है, 2100 रुपये का आपका वो हो गया। और क्या, बस हो गया। एक लैंडिंग पेज बनाना है तो $20 उसमें लग जाएंगे आपको, ठीक है। मतलब मोटा मोटा आपका खर्चा $50 पर मंथ, $50 पर मंथ। बिल्डरल ले लो। बिल्डरल क्या चीज है, बिल्डरल यही चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिल्डर आपको लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज किसको बोलते हैं, लैंडिंग पेज ये है, लैंडिंग पेज ये जो चीज पेज है इसको लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्डरल जो चीज़ है वो वही है जो आपको प्रोवाइड करता है लैंडिंग पे। ईमेल ऑटोमेशन या जो है जो आपको ईमेल जाएगा ऑटोमेटिक, वो भी बिल्डरल में मिल जाता है, ठीक है। बिल्डरल की सारी जानकारी के लिए आप नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक करना, उस वीडियो को देखना, उस वीडियो से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं। और बिल्डरल को ही सेल करके आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करो, 100% आई एम कमिंग टू हेल्प यू। लेकिन गाइज याद रखना, ये वीडियो जो मैंने आपको इतनी लंबी दी है आज आप लोगों के लिए बनाई है, प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो, मेक्स सम मनी गाइज, सम मनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर नॉट मेकिंग मनी गाइज, दे आर नॉट मेकिंग मनी, 363K, मुझे तो समझ नहीं आ रही है इतने फॉलोअर्स का लेके करेंगे क्या, लेकिन इतने फॉलोअर्स में ये बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग मनी, बट यू कैन मेक मनी गाइज, यू कैन मेक मनी एंड आई कैन हेल्प यू टू मेक मनी। अगर आपको करना है तो आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट करके कभी भी पूछ सकते हो, लेकिन गाइज गो एंड टेक एक्शन, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम, यू कैन डू एंड यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी जस्ट फ्रॉम सोशल मीडिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट करना, बस एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।